गुड मॉर्निंग गाइस, ये हमारी मॉर्निंग और ये हमारा व्यू हमारे होटल रूम से बाहर, आप देख सकते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। सामने हमारे ये वैली ऑफ फ्लावर्स और इधर। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। और ये ऑलरेडी में मॉर्निंग हो गई हमारी और आप देख सकते हैं व्यू हमारे रूम से कितना ही खूबसूरत है, क्या नज़ारे हैं, सब ग्लेशियर ही ग्लेशियर है सामने। और जो ये आप सामने देख रहे हैं ये है आपका वैली ऑफ फ्लावर्स, जो कि इस समय बंद हो गया है क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल हो चुकी है। आगे आपको दिखाते हैं बद्रीनाथ, ये देखिए बद्रीनाथ कितना खूबसूरत लग रहा है। कल हम लोग ये है बद्रीनाथ के ग्लेशियर्स, बहुत ही खूबसूरत है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये तो हम लोग का स्टे, और हम लोग निकल रहे हैं माना की तरफ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के, इसके पीछे पड़ता है माना। आओ चलो सलमान। ये था हमारा रिजॉर्ट, इसका नाम है पाइन पैलेस और यही ओली का रास्ता, यही गाड़ी का स्टॉप होता है सारी। बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी इनकी। हमारी राइड तैयार हो चुकी है, अब चलते हैं अपने नए सफर की ओर बद्रीनाथ। और क्या, ठीक है, वार्म अप हो रहा है गाड़ी का। आराम आराम से, आप देख सकते हैं ये हम लोग जयप्रकाश पर्वत के बेस को क्रॉस करते हुए बद्रीनाथ और माना की ओर बढ़ रहे हैं। ये एकदम अपने कसौल की पार्वती को रिफ्लेक्ट कर रही है। बद्रीनाथ गाइस, ये हम लोग पहुंच गए बद्रीनाथ में। और कैसे, और तो बाकी सेटल होगा ना, इतना ही खूबसूरत नजारे हैं यहाँ के। यहाँ के लोकल्स बता रहे थे कि यहाँ पे नवंबर तक के सब कुछ ये बर्फ से पैक्ड हो जाएगा। इधर कुछ नहीं जाएगा, अब हम लोग बद्रीनाथ से माना की तरफ बढ़ते हुए। लास्ट इंडियन विलेज, सॉरी लास्ट इंडियन विलेज समाप्त मार्ग। ऐसे ट्रैकिंग है जो बद्रीनाथ की जा रही है, ये देखिए आप लोग। चाय वाय चलेगी? हाँ सलमान भाई, सलमान भाई ये अभी भी चढ़ाई है, चलते रहिए, नीचे का व्यू देख सकते हैं आप। आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपकी, पानी का कटाव बहुत ही तेज है यहाँ पे।
ये ऊपर चलते चलते जाना हम लोग। जो रिवर है ये महा सरस्वती रिवर है, इसी को शराब दिया जाता है जो कहा जाता है कि पताल लोग जाती है, देख सकते हैं। और ये मंदिर है, हवाएं देख सकते हैं। यहाँ का सनसेट हो रहा है। हेलो,